तो नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं वीडियो में लेकर गया हूं, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है ये सॉफ्टवेयर के ऊपर है। दोस्तों जो मैं ये टॉपिक लेकर गया हूं, जो मैं वीडियो लेकर गया हूं, ये हमारा सॉफ्टवेयर के लिए है। सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग दोस्तों, सबसे पहली बात क्या, जो मैं वीडियो लेकर गया हूं ये सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग के ऊपर वीडियो है। और आज दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताना चाहता हूँ कि मैंने काफी पहले भी मैंने वीडियो दिया हुआ है कि जैसे अनलॉक टूल के ऊपर वीडियो दिया था कि जिसमें हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन लोगों को अनलॉक टूल के बारे में बहुत अच्छा सीखने को मिला था। और इसमें तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन लोगों ने अनलॉक टूल अपना लिया था, या बहुत ऐसे लोग हैं जो आज ऑनलाइन के माध्यम से अनलॉक टूल के बारे में पूरा ट्यूटोरियल देख सकते हैं, या अनलॉक टूल को कैसे डाउनलोड करेंगे, अनलॉक टूल को कैसे यूज करेंगे, या अनलॉक टूल के माध्यम से हम लोग मोबाइल फोन में लॉक को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, या अनलॉक टूल को यूज करने के बारे में पूरा गाइडेंस मैंने आपको दिया था। आज दोस्तों जो मैं वीडियो लेकर के आया हूं, आज मैं एक नया टूल लेकर के आया हूं, AMT। ये जो वीडियो जो होने वाला है ये AMT टूल के ऊपर होने वाला है। AMT टूल जो रहता है ये हमारा सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग में काम आता है। किसमें काम आता है? सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग में। AMT का जो पूरा नाम होता है एंड्रॉयड मल्टी टूल। AMT टूल का क्या नाम होता है? एंड्रॉयड मल्टी टूल। एंड्रॉयड मल्टी टूल को हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग सीखेंगे कि एंड्रॉयड मल्टी टूल को आप कैसे डाउनलोड करेंगे, एंड्रॉयड मल्टी टूल को आप कैसे यूज करेंगे, इसके माध्यम से आप मोबाइल फोन के अंदर अनलॉकिंग कैसे करने वाले हैं, या इसके माध्यम से आपके पास कोई भी मोबाइल फोन है तो उस मोबाइल फोन को आप लॉक कैसे तोड़ पाएंगे, लॉक को कैसे ब्रेक कर पाएंगे, उसका तरीका दोस्तों मैं आपको सिखाने वाला हूं। ये वीडियो जो है इसको आप पूरा ध्यान से देखें, अच्छे से समझें, और वीडियो के माध्यम से आप उनका यूज करें और ऐसे ही आप सीखें भी, ताकि आप कैसे कोई भी मोबाइल फोन आता है उस मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर को रिपेयरिंग करना कैसे सीखेंगे। इस टूल के बारे में मैंने अपने पहले के सारे स्टूडेंट लोगों को नहीं सिखाया था, यह भाई नया टूल आया, काफी टाइम से चल भी रहा है। इसमें से हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन लोगों ने हमको मैसेज किया, जिन लोगों ने कि सर मैंने AMT टूल लिया हुआ है, मुझे AMT टूल के बारे में थोड़ा सिखा दीजिए, तो मैं उन लोगों के लिए पूरा AMT टूल के ऊपर सीरीज लेकर गया हूं। दूसरी बात क्या दोस्तों, ये जो वीडियो है इसमें से आप लोग ये कंफ्यूज ना हो, क्योंकि हमारे पास जो दो टूल आते हैं, एक मैं आपको जिक्र करना चाहता हूं, एक आता है तुम्हारा UMT, उसके बाद ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये AMT टूल के बारे में बताने वाला हूँ। UMT के लिए क्या होता है, हमारा डोंगल आता है, वो डोंगल हमको लेना पड़ता है, लेकिन जो AMT टूल आता है ये ऑनलाइन काम करता है और ID पासवर्ड पे काम करता है। अब सबसे पहली बात क्या, AMT टूल के बारे में समझेंगे। AMT टूल जो है, जैसे आपका अनलॉक टूल काम करता है, जिस तरीके से आपके मोबाइल फोन में अनलॉक टूल काम करता है, उसी तरीके से आपके मोबाइल फोन में AMT टूल भी काम करता है। AMT टूल के माध्यम से जो भी मोबाइल फोन आएंगे, आप उस मोबाइल फोन की अनलॉकिंग कर सकते हैं, या मोबाइल फोन में FRP हटा सकते हैं, पिन पैटर्न पासवर्ड सभी लॉक को तोड़ सकते हैं, और इनके बारे में हम लोग यूज करेंगे। चलिए हम लोग अपने टूल पे चलते हैं, टूल को चलाना सीखते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक स्टोर कानपुर से बात कर रहा हूं, जहां पर आपको मोबाइल फोन और लैपटॉप इस तरीके से रिपेयरिंग के टेक्निकली कोर्स कराए जाते हैं। तो ये दोस्तों जो मैं वीडियो लेकर के आया हूं, मैं AMT टूल के ऊपर वीडियो लेकर के आया हूं। सबसे पहली बात क्या, AMT टूल के अंदर क्या क्या टॉपिक हम लोग सीखने वाले हैं, आप इन सब चीजों को नोट कर लीजिए। सबसे पहली बात, AMT टूल क्या है, AMT टूल को डाउनलोड कैसे करेंगे, AMT टूल को एक्टिव कैसे करेंगे, फिर हम लोग सीखेंगे AMT टूल यूज करना, AMT टूल को यूज करना सीखेंगे। AMT टूल के माध्यम से जो मोबाइल फोन आते हैं उस मोबाइल फोन को लॉक कैसे ब्रेक करेंगे, इन सब चीजों के बारे में दोस्तों समझेंगे। अब सबसे पहली बात क्या है, मैं आपको बता देना चाहता हूं AMT टूल क्या, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है
वो एएमटी टूल के ऊपर होने वाला है। तो सबसे पहली बात मैं इसके बारे में मैं आपको बेसिकली थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। एएमटी टूल एक तरीके का अनलॉकिंग टूल है। इसके माध्यम से आप जितने भी नए मोबाइल फोन आ रहे हैं, नए मोबाइल फोन के लॉक को तोड़ सकते हैं। इस टूल को यूज करने के लिए आपको दोस्तों गूगल पे जाना पड़ेगा, गूगल पे जाकर के सर्च करना पड़ेगा एएमटी टूल सेटअप। क्या लिखेंगे दोस्तों? एएमटी टूल सेटअप। जब आप इस सेटअप को क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करेंगे। जब आप इसको डाउनलोड करने के बाद ओपन करेंगे तो सबसे पहली बात ये सेटअप जो है आपसे रजिस्ट्रेशन के लिए बोलेगा। क्या बोलेगा दोस्तों? आप इसमें रजिस्ट्रेशन करिए। अच्छा, रजिस्ट्रेशन जो होता है, रजिस्ट्रेशन कोई बड़ा टिपिकल नहीं है, कोई बड़ा कठिन नहीं है। इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अपनी ईमेल आईडी, जो गूगल की ईमेल आईडी है, आप उस ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें आईडी पासवर्ड क्रिएट होगा। आईडी पासवर्ड जब क्रिएट हो जाएगा तो फिर आपको इसमें लॉगिन मिलेगा। जब आपको लॉगिन मिलेगा तो लॉगिन मिलते ही ये हमारा सॉफ्टवेयर हमारी स्क्रीन में पूरा खुल के आ जाएगा और बड़ा आप इजी वे से आप कर सकते हैं। इस टूल के माध्यम से आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आता है, मोबाइल फोन के अंदर या तो क्वालकॉम सीपीयू लगा हो, या तो मीडियाटेक सीपीयू लगा हो, या तो एसपीडी सीपीयू लगा हो, या उसमें से सैमसंग के फोन हो, जितने भी कैटेगरी के मोबाइल फोन आते हैं, सभी कैटेगरी के मोबाइल फोन को आप इसके माध्यम से अनलॉकिंग कर सकते हैं। अब बात आती है, ये तो आप आईडी क्रिएट कर लेंगे। अब देखो मैं आपको आईडी क्रिएट करके बना करके दिखाता भी हूं। दूसरी बात क्या दोस्तों, इस टूल को कितने रुपए का मिलेगा ये भी मैं आपको बताता हूं। ये हमारा जो एएमटी टूल होता है, ये आपका तीन वेरिएंट में मिलता है। सबसे पहली बात, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का। 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, मतलब 3 महीने के लिए, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, तो 3 पार्ट में आप इसको ले सकते हैं। लेकिन जनरली जितने पहले फर्स्ट लोग हैं, तो मैं आप लोगों को गाइडेंस यही देना चाहूंगा कि आप सबसे पहली बार इस टूल को अगर ले रहे हैं तो पहले 3 महीने का ही ले। 3 महीने से ज्यादा मत ले, उतना ही आपका खर्चा आता है। अगर आप 3 महीने का लेते हैं तो इसको लेने के लिए कम से कम तुमको 10 क्रेडिट लेनी पड़ती है। कितना लेना पड़ता है? 10 क्रेडिट लेनी पड़ती है। अगर आप 6 महीने का लेते हैं तो तुमको दोस्तों इसमें से 20 क्रेडिट लेना होता है। अगर आप 1 साल के लिए लेते हैं तो आपको 40 क्रेडिट लगता है। मतलब देखा जाए तो एक्सपेंस वही है। जो 10 क्रेडिट अगर आप लेते हैं तो 10 क्रेडिट जो आपको मिलेंगी, वो 10 क्रेडिट समथिंग 1200 रुपए कॉस्टिंग होती है। उसका जो कीमत जाता है 1000 से लेकर के 1200 तक कॉस्टिंग जाता है। ज्यादातर आपको 1200 रुपए कॉस्टिंग पे करना पड़ेगा। उसी तरीके से जब आप 20 क्रेडिट लेते हैं तो इसका आपको 2400 रुपए लगता है। अगर आप 1 साल के लिए लेते हैं तो आपको 3600 रुपए लगता है। तो जाहिर सी बात है, जनरली आप 3 महीने का लें और 3 महीने के बाद इस टूल को यूज करके देखें। अच्छा, इसमें क्रेडिट का क्या सिस्टम है? इसमें से जो 10 क्रेडिट ले लेते हैं, 10 क्रेडिट लेने से क्या रहता है कि जो एएमटी टूल होता है वो तुमको 3 महीने की लिमिट दे देता है। वो दे देता है कि भैया हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो आपने जो ले लिया है उसको हमने 1200 रुपए रेंट ले लिया है, 1200 रुपए किराया ले लिया। उस 1200 रुपए किराए की वजह से आप जितने मोबाइल फोन है सारे मोबाइल फोन को लॉक खोलिए। लेकिन दोस्त, कुछ मोबाइल फोन ऐसे भी आते हैं, प्रीमियम फोन में आते हैं, उन मोबाइल फोन में अगर आप अनलॉकिंग करेंगे तो उसमें कुछ क्रेडिट भी डिडक्ट होती है। अगर जो क्रेडिट डिडक्ट होती है तो वो क्रेडिट इसी स्कोर में से माइनस हो जाती है। हो सकता है कि बहुत ऐसे मोबाइल फोन आते हैं जिसमें एमआई अकाउंट हटाने में क्रेडिट लगती है। सैमसंग के मोबाइल फोन आते हैं उसमें से जो ऐसे फोन आते हैं जिसमें एफआरपी हटाने में क्रेडिट लगती है।
वो इसके माध्यम से दोस्त क्रेडिट डिडक्ट हो जाती है। जब क्रेडिट डिडक्ट हो जाएगी तो उस डिडक्ट क्रेडिट को आप कस्टमर से जो पैसा लगेगा उसको अकाउंट करेंगे, उसके हिसाब से चार्ज करेंगे। और नहीं तो आपके पास ज्यादातर जितने सारे फोन आते हैं सारे फोन को, जैसे अनलॉक टूल में आप सारे मोबाइल फोन को अनलॉक कर पाते हैं, उसी तरीके से इस टूल के माध्यम से भी मोबाइल फोन को क्या कर पाएंगे, अनलॉक कर पाएंगे, और कोई भी मोबाइल फोन आता है उस मोबाइल फोन के लॉक को खोल पाएंगे। अब चलिए दोस्तों, ये जो मैंने आपको बताया है तो एएमटी टूल 3 महीने 6 महीने 1 साल के वेरिएंट मिलता है। 10 क्रेडिट 20 क्रेडिट 40 क्रेडिट मिलता है, 1200 2400 3600 ऐसे रेंज में मिलता है। इसमें से थोड़ा सा रेट का फ्लक्चुएशन भी होता रहता है, कम ज्यादा होता रहता है। और ये एएमटी टूल है, ये ऑनलाइन सर्वर बेस्ड काम करता है, तो कभी कभी काम बंद भी हो जाता है। ऐसे कई सारे टूल है जो यूज हुए बंद भी हुए, लेकिन एक सॉफ्टवेयर है, जाहिर सी बात अब रिपेयरिंग करने वाले टेक्नीशियन है तो ये सब चीजें लेकर के हमको रखनी होती है, और इनके माध्यम से हम लोग मोबाइल फोन में अनलॉकिंग करते हैं। चलिए दोस्तों, अपने आगे टूल पे चलते हैं। इस टूल को हम लोग डाउनलोड कैसे करेंगे, इस टूल को यूज कैसे करेंगे, उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये मैं सबसे पहला फर्स्ट पार्ट में आपको क्लियर करता हूँ। आप एएमटी टूल को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे जाना पड़ेगा। कहां पर जाना पड़ेगा? गूगल पे जाना पड़ेगा। ये हमारा कंप्यूटर स्क्रीन आ गया, हम लोग क्या करेंगे गूगल पे जाएंगे। गूगल पे जाने के बाद गूगल में सर्च करेंगे, गूगल में सर्च करेंगे एएमटी टूल। क्या लिखेंगे? एएमटी टूल सेटअप, एएमटी टूल सेटअप डाउनलोड। जैसे एएमटी टूल सेटअप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा सॉफ्टवेयर खुल जाएगा। आप सबसे पहले ऊपर चले जाएंगे, जैसे सबसे ऊपर चले जाएंगे तो इसका अगर आप देखेंगे डाउनलोड एएमटी टूल 1.2.3 एएमटी टूल लेटेस्ट वर्जन, ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है ये डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन बोल रहा है। देखिए मैं साइड हो जाता हूं ताकि मैं आपको स्क्रीन में अच्छे से मैं आपको दिखा पाऊं। फिर उसके बाद अगर आप ऊपर नीचे करके देखेंगे तो इसका सेटअप कहीं डाउनलोड करने के लिए आपको बोलेगा। ये देखिए ये बोला डाउनलोड एंड्रॉइड मल्टी टूल लेटेस्ट सेटअप, आप इसको डाउनलोड करेंगे। जैसे डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड करने के लिए सबसे नीचे ऑप्शन आएगा, आप किसमें करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप द्वारा, ये उसका पासवर्ड है, आप मेगा ड्राइव से कर सकते हैं या मीडिया फायर की लिंक से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर आप इसको विंडो 10 एक्सपी सब में आप इस यूज कर सकते हैं, और एंड्रॉइड मल्टी टूल जो जिप फाइल में 20 MB का सॉफ्टवेयर है। चलिए हम लोग यहाँ पर जो मीडिया फायर का ड्राइव है इसको हम लोग करेंगे, और ये जो आपका जो इसमें से पासवर्ड है इसको आप लोग क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। इसको कंट्रोल सी मारा, उसके बाद जो मीडिया फायर का ड्राइव है आप इसमें से क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पर कहीं डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आएगा, नहीं डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है फिर से आप पीछे आइए, फिर से पीछे आने के बाद आप मेगा पे जाइए, ये डाउनलोड करने के लिए टूल डाउनलोड करने के लिए आपका लिंक जनरेट होगा, ये टूल आपका डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। 38 MB का टूल है, इसको डाउनलोड हो जाने दीजिए। इसको डाउनलोड होने के बाद फिर आप इसमें दोस्त आईडी अपनी क्रिएट करेंगे, क्या करेंगे इसमें से आईडी क्रिएट करेंगे। ये हमारा टूल डाउनलोड हो गया है। डाउनलोड होने के बाद एंड्रॉइड मल्टी टूल ये हमने जो डाउनलोड कर लिया है, डाउनलोड करने के बाद अब हम लोग फोल्डर पे जाएंगे। फोल्डर पे जाने के बाद जो टूल हमने डाउनलोड किया है, इस टूल को डाउनलोड करने के बाद यहाँ से आपको कट कर लेना है। कट करने के बाद इस टूल को डेस्कटॉप में आपको क्या कर लेना है, पेस्ट कर लेना दोस्तों। जैसे डेस्कटॉप में टूल को पेस्ट करेंगे तो टूल आपका आ जाएगा एएमटी जैसा लोगो बन के आ जाएगा। इस टूल को आप क्या करेंगे, ओपन करेंगे, यस करेंगे। जैसे एएमटी टूल को यस करेंगे तो यस करते ही आपके स्क्रीन में ओपन होने के लिए एक सेटअप आ जाएगा, यस न्यू लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड, यस अपडेट पे क्लिक करेंगे। ये बोलेगा नया कोई वर्जन आया उसको अब हम लोग अपडेट करेंगे, ये ऑटोमेटिक अपडेटिंग के लिए चालू हो जाएगा। ओके अब आप देखेंगे तो एक एंड्रॉयड मल्टी टूल के लिए छोटा सा हमारे स्क्रीन में सेटअप इंस्टॉल होकर एक लोगो आ जाता है। अगर आप देखेंगे तो ये हमारा लोगो आ चुका है।
अब ये सबसे पहली बात पूछेगा कि आप अपना जो लॉगिन आईडी पासवर्ड है उस लॉगिन आईडी पासवर्ड से क्रिएट करिए। अगर मान लिया आपके पास कोई अकाउंट नहीं है तो आप क्या करें, डोंट हैव एनी अकाउंट। आपके पास कोई अकाउंट नहीं है तो आप क्या करिए, डोंट हैव एनी अकाउंट। जब आपके पास अकाउंट नहीं तो आप पहले अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा, बोलेगा ऑलरेडी हैव अकाउंट, या तो आप अकाउंट डालिए या तो अकाउंट को आप क्रिएट करिए। जब यहां पर क्रिएट करेंगे तो क्रिएट करने के लिए सिंपल सी बात है, आपको अपना ईमेल आईडी डालना है और आपको अपना नाम डालना है और जो आप इसमें पासवर्ड बनाना चाहते हैं वो पासवर्ड बना लीजिए। जैसे पासवर्ड बनाएंगे उसके बाद यहाँ पर रजिस्टर्ड का ऑप्शन आएगा, आप रजिस्टर्ड पर क्लिक करेंगे। जैसे रजिस्टर्ड पर क्लिक करेंगे फिर आप उसी ईमेल आईडी और जो आपका ईमेल आईडी है उसी ईमेल आईडी पे आपको एक्टिवेशन लेना पड़ेगा। वो एक्टिवेशन कैसे लेंगे, उसके लिए आप मुझे फोन करेंगे 6391711711 में, जिसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको एक्टिवेशन लेना है, कैसे एक्टिवेशन आपको मिलेगा। चलिए जैसे मैंने अपने यहां पर आईडी डाली awsthi.raghavendrakumar@gmail.com, ये मैंने आईडी डाली। अब मैं यहां पर मैं अपना किस नाम से बनाना चाहता हूं, जैसे मैंने नाम दे दिया राघवेंद्र ईटेक नाम से मैंने इसका नाम दे दिया। अब हमको इसमें पासवर्ड बनाना पड़ेगा, पासवर्ड आपको 5-8 अंक का आपको पासवर्ड कोई भी बना लेना है। आपको आईडी पासवर्ड आपको क्रिएट कर लेना है। अब आपको क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड पे क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पर रजिस्टर्ड का ऑप्शन आता है। अच्छा मैं क्लिक करूंगा तो मेरा ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, तो आप यहाँ पर रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे तो कह रहा है ईमेल आईडी ऑलरेडी रजिस्टर्ड, मतलब मेरी ईमेल आईडी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। अगर मेरी ईमेल आईडी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड का ऑप्शन नहीं आएगा, लेकिन दोस्त जब आप करेंगे तो आपकी आईडी इसमें रजिस्टर्ड हो जाएगी। जब आपकी आईडी रजिस्टर्ड हो जाएगी तो आपकी आईडी रजिस्टर्ड होने के बाद फिर आपको बैक करना है और आपको वहां पर जाकर के लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन कर लेंगे तो लॉगिन करने के बाद फिर आप इस टूल को यूज कर पाएंगे। यहां पर आप अपने ईमेल आईडी डालिए और जो आपने पासवर्ड बनाया है उस पासवर्ड को डालिए और उसके बाद आप लॉगिन करेंगे। जैसे लॉगिन करेंगे तो आपकी स्क्रीन में ये सॉफ्टवेयर खुल जाएगा और ये सॉफ्टवेयर जो काम करता है ये ऑनलाइन काम करता है। ऑनलाइन का मतलब सर्वर बेस्ड काम करता है, इसमें कोई इसका ये नहीं कि तुम्हारे मोबाइल लैपटॉप में स्टोरेज खुलेगा, ये सर्वर बेस्ड काम करेगा। जैसे अनलॉक टूल काम करता है उसी तरीके से ये सॉफ्टवेयर काम करता है। तो आज की दोस्तों वीडियो में इतना ही, आप लोग आईडी क्रिएट करिए और आईडी क्रिएट करने के बाद फिर हम लोग मिलते हैं आगे के वीडियो में। मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा कि इसको लॉगिन कैसे करेंगे, लॉगिन करने के बाद इसमें एक्टिवेशन कैसे करेंगे, एक्टिवेशन करने के बाद इस टूल को यूज कैसे करेंगे, इस टूल के माध्यम से मोबाइल फोन में अनलॉकिंग कैसे करेंगे, उसके ऊपर दोस्तों मैं आपको आगे आपको वीडियो दूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो ट्यूटोरियल के माध्यम से सर आप सीखिए। आज के टूल में हम लोगों ने एएमटी के बारे में जाना है कि एएमटी टूल को हम लोग कैसे यूज करेंगे। दोस्तों ये सारी वीडियो हम आपको इसलिए लेकर आते हैं ताकि हम आपको काफी कुछ सिखा सकें और मोबाइल फोन रिपेयरिंग के क्षेत्र में, मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के लाइन के रिपेयरिंग के लाइन में आप ये समझ सकें कि मोबाइल फोन सॉफ्टवेयर रिपेयर कैसे किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो के माध्यम से अगर आप सीख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें ताकि आपके और भी बहुत ऐसे फ्रेंड हैं उनको वीडियो मिल सके। और अगर आपको सीखने को मिल रहा है तो आप नीचे कमेंट में मैसेज करें। और अगर आप इसी तरीके से कंप्लीट मोबाइल फोन रिपेयरिंग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो दोस्त ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग सेंटर कानपुर सागर मार्केट में पड़ता है, कानपुर रेलवे स्टेशन से 500-700 मीटर दूर। यहाँ पर आकर के सीख सकते हैं, यहाँ पर सीखने में समथिंग 45 दिन का समय लगता है। अभी कुछ जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट मोबाइल फोन को रिपेयर करने का तरीका आपको सिखाया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू और हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।